मसई विरार के रास्तों में गड्ढों के चलते जनता का हाल हुआ बेहाल। बार बार सड़क बनवाने पर भी गड्ढे क्यों? महानगर पालिका सड़क बनवा रही है या मजाक कर रही है? नमस्कार, मैं हूं कोमल गुप्ता, आप देख रहे हैं वसई विरार न्यूज। आज बात करेंगे वसई विरार के सड़कों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सड़कों की खराब होने की वजह क्या क्या है। सड़कों की रेगुलर मेंटेनेंस नहीं की जाती है, जैसे कि पाथ होल रिपेयर, क्रैक सीलिंग और सरफेस ट्रीटमेंट, जिसके चलते सड़कों की कंडीशन खराब होने लगती है। रास्ते को मेंटेनेंस या रिपेयर करने के लिए उसमें से पुराना सरफेस हटाया जाता है और नए मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोसेस अगर प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है तो रास्ते जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि महानगर पालिका हर 6-6 महीने पर रास्ते बनवाती है, फिर भी रास्ते खराब क्यों हो जाते हैं? बात करें मुंबई के सड़कों की, तो मुंबई की सड़कें बीएमसी बनाती है, लेकिन वहाँ की सड़कों में गड्ढे नजर नहीं आते। मुंबई के चर्च गेट, अंधेरी और मरीन ड्राइव के रास्ते काफी अच्छी स्थिति में है, लेकिन वसई विरार के रास्तों में गड्ढे क्यों? जबकि दोनों और महानगर पालिका द्वारा ही सड़कें बनवाए हैं। इसका कारण यही है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका का काम एकदम सही और वसई विरार महानगर पालिका का काम कम खाना पूर्ति ज्यादा लगता है। क्या महानगर पालिका जनता का पैसा बर्बाद कर रही है? जब महानगर पालिका रास्ता ठीक नहीं कर रही है तो जनता का पैसा जा कहाँ रहा है? क्या महानगर पालिका को रास्ता ठीक करना आता है या फिर महानगर पालिका के इंजीनियर्स ने सड़कें बनाना सीखा ही नहीं? खराब सड़कों की समस्या पर अब अनिवार्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। महानगर पालिका को इन सभी फैक्ट्रीज के पीछे से खराबी का पता लगाने के लिए सत्ताधारी पार्टी और कंसर्न अथॉरिटीज से इंस्पेक्शन करवाना चाहिए और सही तरीके से सड़कों की मेंटेनेंस और रिपेयर को मॉनिटर करवाना चाहिए, ताकि सड़कों की इस कंडीशन में सुधार आ सके और आने वाले दिनों में सड़कों में खराबी कम हो। ऐसे ही और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए वसई विरार न्यूज। मिलते हैं अगली बड़ी खबर पर।